Good morning students, today we will start chapter number 3 input and output devices. Lesson number 2 के आपको MCQ के मैंने टिक करके आपको लास्ट में वीडियो भेजा था और स्क्रीनशॉट भी उसका भेजा है प्रेजेंटेशंस का. नाउ हमारे यहाँ स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपके कोई प्रैक्टिकल्स नहीं है, आपको थियोरेटिकली समझना है. तो थर्ड चैप्टर भी आपका थियोरेटिकली है, राइट? तो प्रैक्टिकल बेसिस आपको इस बार कुछ है नहीं. ज़्यादातर मैं लेसन नंबर 12 में प्रेजेंटेशन है उसमें आपको थोड़ा 11 और 12 में प्रेजेंटेशन और मेल मार्च का जो चैप्टर है उसमें प्रैक्टिकल्स आएंगे. मगर बाकी सब चैप्टर्स आपको सिर्फ समझने हैं कि क्या है. ठीक है, तो बिगिन करते हैं लेसन नंबर 3 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. वो भी आपको जब आप छोटे थे तो छोटे स्टैंडर्ड्स में आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के फीचर्स बताए गए कि कौन से डिवाइसेस इनपुट बोले जाते हैं और कौन से डिवाइसेस आउटपुट बोले जाते हैं. ये चैप्टर में आपको 3 पार्ट में डिवाइड होगा, राइट? तो फर्स्ट जो अभी मैं बिगनिंग कर रहा हूँ वो आपका फर्स्ट वीडियो, उसके बाद सेकंड, देन थर्ड. थर्ड वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बिगनिंग करेंगे बुक के हिसाब से. इस बार कोई ऐसा प्रेजेंटेशन या पीपीटी नहीं होगा, आपको बुक के हिसाब से ही मैं कंडक्ट करूंगा. जो कुछ भी आपको कुछ समझाने जैसा रहेगा तो आपको इंटरनेट की मदद से आपको समझाया जाएगा. जो भी आपको डिवाइस अगर मेरे को दिखाना जैसा है कि आपको ये मालूम नहीं होगा तो मैं ये बताऊंगा. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ देखो. टू सॉल्व ए गिवन टास्क, राइट? कोई भी एक टास्क दिया जाता है सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर नीड्स टू इंटरेक्ट विद द यूजर एंड कंप्यूटर रिक्वायर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड बाय द यूजर. इट मीन्स कि कंप्यूटर को इंटरेक्ट की जरूरत है. किससे? यूजर से. यूजर कौन होता है? हम लोग. और कंप्यूटर को क्या जरूरत है? इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. अगर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा नहीं कुछ दोगे तो कंप्यूटर कुछ काम नहीं करेगा, राइट? तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है? यूजर की. ऑन अदर हैंड यूजर ऑल्सो रिक्वायर द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर. अब जैसे ही इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंटर करवाता है, राइट, यूजर, तो यूजर एक रिक्वायर करता है रिजल्ट. किससे? कंप्यूटर से, कि कुछ रिजल्ट मुझे मिले सामने. व्हेन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अ कंप्यूटर इट कंसीडर हैज ए इनपुट. अगर कोई भी हम डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, राइट, तो वो क्या माना जाएगा? इनपुट माना जाएगा. व्हेन कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट इज नोन एज आउटपुट. जब कंप्यूटर हमें रिजल्ट डिफाइन करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है, राइट, तो उसको हम क्या मानते हैं? आउटपुट. द डिवाइस दैट अलाउ सच इनपुट एंड आउटपुट आर नोन एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इन शॉर्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस और पेरिफेरल्स. मतलब ये क्या है कि जो भी हम इनपुट एंटर करवाते हैं तो वह इनपुट डिवाइस की मदद से एंटर करवाते हैं, और जब आउटपुट हम गेट करते हैं कंप्यूटर की मदद से, वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें आउटपुट जनरेट होता है. तो इनपुट आउटपुट डिवाइस आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. फर्स्ट बिगनिंग टॉपिक है इनपुट डिवाइस. एन इनपुट इज डिवाइस दैट प्रोवाइड एन इनपुट टू द कंप्यूटर. द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस. तो देखो इनपुट डिवाइस मतलब क्या है कि जो भी हम इनपुट डिस्प्ले करते हैं, एंटर करवाते हैं, वो किसको जरूरत होती है? कंप्यूटर को. द मोस्ट इनपुट डिवाइस आर, देखो कौन कौन सा है इनपुट डिवाइस में जो हम एंटर करवा सकते हैं? एक तो कीबोर्ड और माउस. Every key you press on the keyboard and every movement of the click you make with the computer send a specific input signal to the computer. अभी जैसे ही आप कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस करते हो, राइट, और कोई भी मूवमेंट करवाते हो माउस की मदद से, वो सारा जो इनपुट सिग्नल है वो किसको मिलता है? डायरेक्टली कंप्यूटर को, राइट? बिसाइड्स द कीबोर्ड एंड माउस सर्वल इनपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल फॉलोइंग इन द डिफरेंट इनपुट डिवाइस आर यूज विद द कंप्यूटर. ऐसे नहीं कि सिर्फ कीबोर्ड और माउस है, बहुत सारे ऐसे अदर थिंग्स इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है जो कंप्यूटर को एक मैसेज देता है, राइट? तो देखो यहाँ पे नीचे फर्स्ट है कीबोर्ड, दूसरा है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, मतलब जैसे टच स्क्रीन में होता है. जैसे मैं अभी आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ड्रॉ डिवाइस मतलब क्या. अब एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है आपके माइंड में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्रॉ डिवाइसेस.
वो भी आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉअर डिवाइसेस। देखो यहाँ पे पॉइंट एंड द ड्रॉअर डिवाइसेस जैसे एक पेन स्ट्रक्चर का रहता है राइट, एक पॉइंटिंग डिवाइस जो मार्कर यूज होता है राइट, यहाँ पे आपको ये दिखा गया है राइट। दूसरा है ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज कॉल्ड अ दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट एंड ड्रॉ स्कैन स्कैनिंग डिवाइस। मतलब जो स्कैनर होता है, जो पेज हम रखते हैं उसके बाद स्कैन करते हैं, तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनती है हमारे कंप्यूटर में। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एंड बेस डिवाइसेस जैसे आप एटीएम भी कार्ड बोल सकते हो, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वो भी आपको क्या एक इनपुट डिवाइस हुआ राइट। आप एंटर करवाते हो, उसके बाद एक पासवर्ड पिन कोड डालते हो, उसके बाद वो एक मैसेज आपको डिस्प्ले करता है। स्पीच रिकॉग्नाइज डिवाइस राइट, हेडफोन्स जो बोलते हैं। विजन बेसिस डिवाइस, लेट अस डिस्कस द ईच एंड ऑफ दीज डिवाइसेस इन ब्रीफ। देखो अब सारे डिवाइसेस को थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं, तो क्या 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 है, कौन सा डिवाइस क्या काम कर सकता है, क्या काम करता है हमारे लिए, और इनपुट डिवाइस में क्या क्या डिस्प्ले या इनपुट करवाता है, तो थोड़े समझते हैं। फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड तो सबने आपने देखा ही है हमारे कंप्यूटर लैब में, अब सबने एंटर यूज किया ही है सारे कीबोर्ड्स। कीबोर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज इन इनपुट डिवाइस। ए कीबोर्ड एलो एंटरिंग द अल्फाबेट डिजिट सिम्बॉल्स इन टू द कंप्यूटर। ये तो आपको सिंपल ही आपको समझ चुके हो कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस माना जाता है जो अल्फाबेट डिजिट और सिंबल को एंटर करने में मदद करता है। फिगर 3.1 में देखते हैं तो एक टिपिकल कंप्यूटर आपको शो किया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको बोलते हैं एस्केप, ये है हमारे फंक्शंस की, न्यूमरिक कीबोर्ड, कर्सर कीज एंड अल्फा न्यूमरिक कीज। ये सारा जो कुछ भी है इसको कितना पार्ट को हम क्या डिफाइन करेंगे, अल्फा न्यूमरिक कीज, और इसको कर्सर की, ये है हमारा न्यूमरिक कीबोर्ड, देन आफ्टर फंक्शंस की। क्लियर? तो यहाँ पे देखो अल्फाबेट में ए टू जेड, डिजिट में 0 to 9, मैथमेटिकल ऑपरेटर ये तो आपको मालूम है, प्लस माइनस डिवाइस, पंचुएशन मार्क एंड साइन। बाद में नेक्स्ट है फंक्शन की में F1, F2, F12 अप टू वेरियस दे आर द फंक्शंस। फिर दूसरा चौथा है हमारा एंटर, यूज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो एंटर की हम यूज करते हैं वर्ड में और बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज, जब टाइपिंग में हम यूज करते हैं या कोई फोल्डर ओपन करना है, क्लिक करके एंटर प्रेस करोगे तो फोल्डर भी ओपन हो जाता है। स्पेस बार हमारा स्पेस कंडक्ट करने के लिए, बैक स्पेस वापस जाने के लिए, वन पोजीशन बैक, डिलीट अ कैरेक्टर ऑब्जेक्ट एट द राइट साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन। फिर है शिफ्ट, कैपिटल लिखने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज करने के लिए हमें शिफ्ट की बटन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक, कैपिटल लिखने के लिए, टैब, नेक्स्ट टैब टू द नेक्स्ट पोजीशन फॉर द इंडिकेशन, कंट्रोल यूज फॉर द कंजक्शन विद द अदर की टू प्रोवाइड द एडिशनल फंक्शनलिटी यूज करने के लिए, जैसे कंट्रोल सी है, कंट्रोल वी जो कॉपी एंड पेस्ट मैंने आपको सिखाया था, तो उसमें कौन सा यूज होता है, कंट्रोल अल्टर। अदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज होता है, जैसे कंप्यूटर मुझे बंद करना है तो अल्टर प्लस F4 राइट। देन एस्केप, एस्केप मतलब एबॉर्टिंग, वापस जाना, जो भी आपने ओपन किया है उसको क्लोज करने, टू कैंसल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कर्सर मूवमेंट की, वो तो आपको मालूम है डायरेक्शंस के लिए यूज होता है, अप डाउन लेफ्ट राइट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डायरेक्टली सम आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट और क्लोज बटन। This can be done using the point and draw device such as mouse. This type of interface is called graphical user interface. GUI बोलते हैं उसको short form में. Not only to selector but drawing or a line curve and shape it is possible to such devices. Other example point and draw devices are joystick, light pen, touchpad,
ट्रैक बॉल एंड टच स्क्रीन। या फिर देखो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस मतलब क्या होता है, जब टच स्क्रीन वाला जो हमारा लैपटॉप्स रहता है या डेस्कटॉप्स रहते हैं, उसमें अगर मुझे पेंट में जाना है, पेंट में कुछ ड्रॉ करना है, तो मैं ये पेन की मदद से, पेंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस की मदद से कर सकता हूँ, राइट। तो ये बहुत यूजफुल है, जो हमारा काम आपके कम समय में कंप्लीट कर सकता है, राइट। अगर आपके पास पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है, तो आपको पता है कि हम माउस की मदद से ही पेंट में ड्रॉ करते थे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है माउस। माउस इज अ स्मॉल डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सिलेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। इन फिगर 3.2 शो द टिपिकल माउस। इट कैन बी यूज सिलेक्ट मेनू कमांड्स, रिसाइज विंडो, सिलेक्टिंग एक्शन फ्रॉम द स्क्रीन, आइकन्स एक्सेट्रा। द मोस्ट कन्वीनियंशनल काइंड ऑफ माउस हैज टू और थ्री बटन्स ऑन इट्स टॉप। दीज बटन्स आर यूज फॉर डिफरेंट एक्शंस। अभी देखो ये तो आपको मालूम है माउस क्या काम करता है, रिसाइज करने के लिए, मैं फोल्डर्स को ओपन करने, क्लोज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए काम करता है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड कीज के क्लिक के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। लेफ्ट की क्या काम करता है, सिलेक्ट कर, डबल क्लिक टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन ए फाइल और ए ट्रिगर एन एक्शन, ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। राइट क्लिक टू डिस्प्ले द कमांड सेट अप अवेलेबल ऑप्शंस, कमांड्स को अवेलेबल करने के लिए राइट क्लिक करके आपने देखा होगा न्यू, कट, पेस्ट, कॉपी, ये सारे जो कमांड यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे मिनिमाइज, यहाँ पे देखो ये सारे जो होते हैं राइट क्लिक करके, तो व्यू, ये सब क्या है, हमारे कमांड शो करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी आपको मालूम है, टू सिलेक्ट करो और उसको मूवमेंट करो वन प्लेस टू अनदर। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये फोल्डर है मेरा, उसको मैंने सिलेक्ट किया, उसको यहाँ पे जाके ड्रैग कर दिया, क्लियर। नाउ है स्क्रॉल। स्क्रॉल जैसे ये रहा, ये पेज को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, राइट। तो स्क्रॉल बटन ये काम करता है अप एंड डाउन करने के लिए, ऊपर स्क्रॉल करना है या मुझे नीचे स्क्रॉल करना है, तो ये है हमारा स्क्रॉल बटन, जो आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया, राइट। उसका कोई की अवेलेबल नहीं होता है, आपको सिर्फ स्क्रॉल करना रहता है, राइट। फिंगर से आपको स्क्रॉल करना है कि आपको टॉप में जाना है या फिर बॉटम में जाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जॉयस्टिक वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, राइट। थैंक यू।